था, इसलिए बिना किसी ज़्यादा दिक्कत के ड्राइव कर पा रहा था कोहरे में भी। पर मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे साथ रास्ते में आगे क्या होने वाला था। खैर मैं आगे बताता हूँ। आगे की घटना कुछ इस तरीके की है कि मैंने जब 3 घंटे का रास्ता तय कर लिया और रास्ते पर जा ही रहा था कि एक दो राहा रास्ता आ गया और मैं गूगल मैप्स में देखकर ड्राइव कर रहा था, तो मैंने चेक किया कि कौन सा रास्ता मुझे और जल्दी होटल ब्लूबेरी तक पहुंचा सकता है। तो मुझे गूगल मैप्स लेफ्ट वाला रास्ता ज़्यादा फास्ट रूट दिखा रहा था, पर उस रास्ते की एक दिक्कत थी, वो रास्ता कच्चा था और जो रास्ता राइट वाला था वो पक्का। मैंने सोचा अजीब है यार, फिर मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए कहा छोड़ो यार, लेफ्ट वाले पर ही चलता हूँ। वैसे भी मैं म्यूज़िक सुन रहा था तो मेरा माइंड एकदम कूल था, तो मैंने सोचा जो होगा देख लेंगे और मैं लेफ्ट वाले रास्ते पर आगे निकल गया। यार मुझे चले हुए मुश्किल से 2-4 मिनट ही हुए होंगे कि जब मैंने अपना गूगल मैप्स देखा तो पता नहीं क्यों मगर गूगल मैप्स रॉन्ग वे बताने लग गया। मैंने कहा हद है यार, अभी तो फास्ट रूट दिखा रहा था, अब कह रहा है रॉन्ग वे। तो फिर क्या था, मैंने कार वापस घुमा लिया और 2-4 मिनट पीछे की तरफ फिर से ड्राइव किया, पर मुझे वो रास्ता वापस दिख ही नहीं रहा था जहाँ से मैंने इस कच्चे रास्ते पर एंटर किया था। खैर मैंने थोड़ा और ड्राइव किया, सोचा शायद थोड़ा और आगे होगा वो रास्ता जहाँ से मैं आया था, पर कुछ नहीं हुआ, वो रास्ता नहीं आया। खैर अब मैं थोड़ा सीरियस हो गया कि ये क्या हो रहा है और मैं किस फालतू की मुसीबत में आ गया। ऊपर से गूगल मैप्स में दिखा रहा था मैं उस रास्ते पर ही हूँ जहाँ से मैंने एंटर किया था, इस कच्चे रास्ते पर, बट मेरी आंखों के सामने तो बस कच्चा रास्ता और दोनों तरफ घना जंगल ही था बस, और दूर तक कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। खैर फिर मैंने सोचा गोली मारो इस गूगल मैप्स को, और फिर मैं आंखें बंद करके बैठ गया थोड़ी देर के लिए और म्यूज़िक भी बंद कर दिया ताकि रिलैक्स होकर सोच सकूं अब आगे करना क्या है। खैर जितने में मैंने आंखें बंद की थी और सोच ही रहा था, अचानक से किसी ने मेरी कार की विंडो पर नॉक किया। मैं चौंक गया और अपनी आंखें खोली और फटाक से विंडो पर देखा, और मैं क्या देखता हूँ कि कार के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी और उसके बाल एकदम ब्लैक थे और उन पर पर्पल शेड था। उसका फेस एकदम मिल्की वाइट था और उसने ड्रेस भी ब्लैक और पर्पल शेड की पहनी थी। इसके अलावा बहुत स्वीट परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आ रही थी कार की विंडो बंद होने के बाद भी। खैर मैं आगे बताता हूँ, जब मैंने उसको देखा तो मैं भी पहले तो देखता ही रह गया, पर उसने जब दोबारा कार की विंडो पर नॉक किया तो मैंने बिना ज़्यादा दिमाग लगाए विंडो नीचे किया और पूछा आप कौन हैं और इस सुनसान कच्चे रास्ते पर क्या कर रही हैं। तब उस लड़की ने बहुत खूबसूरत और स्वीट आवाज़ में कहा मेरा नाम पिया है, और क्या आप मुझे अपनी कार से होटल ब्लूबेरी के पास ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ मेरा बंगलो है जहाँ मुझे जाना है। मैंने सोचा अजीब इत्तेफाक है यार, मुझे भी तो होटल ब्लूबेरी ही जाना है। खैर मैंने उस लड़की को जवाब दिया कि देखिए वो सब तो ठीक है और मैं आपको ड्रॉप कर भी देता क्योंकि मुझे भी होटल ब्लूबेरी एक पार्टी अटेंड करने जाना है, बट मैं खुद रास्ता भूल गया हूँ और ये गूगल मैप्स को भी पता नहीं क्या हो गया है, हेल्प नहीं कर पा रहा मेरी। तब उस लड़की ने बड़े प्यार से कहा अरे ये तो बहुत आसान है, मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी रास्ता गाइड करने में, मैं इस रास्ते पर अपनी कार से बहुत बार आती जाती हूँ। बस फिर क्या था, मैंने इतना सुनते ही कहा ओह कूल, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ऐसे में आप मेरी भी हेल्प कर देंगी और मैं आपकी। तब उस लड़की पिया ने कहा श्योर क्यों नहीं, और फिर मैंने अपनी कार का डोर लॉक ओपन किया और वो मेरे साइड में आकर बैठ गई और मुझसे हैंडशेक करके थैंक यू सो मच कहा। मैंने भी कह दिया इट्स माय प्लेजर। फिर क्या था, उस लड़की पिया ने कहा देखिए आप अपनी कार को बैक घुमा लीजिए और बस सीधे चलिए। उसके बाद मैंने बिल्कुल वैसा ही करा जैसा पिया ने मुझे गाइड किया, यही सोचते हुए कि उसको इस रास्ते के बारे में ज़्यादा पता है।
खैर, जब हम उस रास्ते पर जा रहे थे तब उसने मेरे से पूछा, वैसे आपने इस रास्ते में होने वाली घटनाओं के बारे में सुना है? मैंने फट से कहा, मतलब कैसी घटना? तब वो बोली, आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, इस रास्ते पर कई लोगों की अजीब तरीके से मौत हो चुकी है और माना जाता है कि ये किसी भेड़िए का काम है, और कुछ कहते हैं कि वो कोई आम भेड़िया नहीं है, वो एक इंसानी भेड़िया है, और यू कैन से अ वेवुल्फ। मैंने ये सुनते ही कहा, ये क्या बात हुई? मैं मानता हूँ कि ये किसी भेड़िए का काम हो सकता है, बट वेवुल्फ, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ये तो किसी मूवी में ही हो सकता है। फिर पिया ने स्माइल देते हुए कहा, मे बी यू आर राइट, बट किसे पता सच भी हो। तो मैंने भी इसी बात पे पिया से कहा, अच्छा ऐसा है तो आप यहाँ अकेली क्या कर रही थी? आपको डर नहीं लगता कि भेड़िया आप पर अटैक कर देगा? तो पिया बोली, मैं अपने साथ डिफेंड करने के लिए ब्लैक पेपर स्प्रे लेकर चलती हूँ, और मैं वैसे भी कार से आती जाती हूँ इस रास्ते पर, तो मुझे कुछ नहीं होता। तो इतने में मैंने कहा, आपके हाथ तो खाली हैं, ना कोई बैग है, कहाँ है पेपर स्प्रे? वो बोली, है बस मेरे पास, मेरे डिफेंस का तरीका, यू डोंट वरी। और फिर पिया ने इतने में कहा, आप आगे से लेफ्ट लेना। मैंने कहा, ओके। तो पिया ने कहा, और जैसे ही मैंने लेफ्ट लिया कि अचानक ऐसा लगा कि मेरी कार के पीछे वाली डिक्की में किसी ने धड़ाम से कुछ उठा के पटक दिया हो। मैंने कार को झट से रोक दिया ये देखने के लिए कि आखिर ये कैसी आवाज़ थी और क्या बात है। पर जैसे ही मैं बाहर निकल के देखने वाला था ही कि पिया बोली, हे डोंट गो आउट, इट्स नॉट सेफ फॉर यू। तो मैंने कहा, अच्छा जी, अच्छा मेरे लिए सेफ नहीं है और आपके लिए बड़ा सेफ है। नाइस जोक, आई एम गोइंग टू सी, चिंता मत करो, एक मिनट में आता हूँ। तो मैंने बिना ज़्यादा सोचे और पिया की बात को इग्नोर करते हुए बाहर डिग्गी में क्या हुआ है देखने को निकल गया। खैर, मैंने जब पीछे जाकर डिग्गी की तरफ देखा तो वहाँ कोई डेंट या निशान दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा, अजीब है यार, इतनी ज़ोर से साउंड आई थी, पर यहाँ तो सब ठीक है। इतने में मैंने सोचा, मुझे क्या, पर कार के अंदर जाने से पहले मैंने सोचा डिग्गी ओपन करके भी चेक कर लेता हूँ सब ठीक है कि नहीं। तो मैंने जैसे ही डिग्गी को ओपन किया और अंदर देखने लगा कि अचानक से मेरे सिर के ऊपर जो पेड़ था उस पर से कोई कूदा और मेरे ऊपर चिपक गया और मुझे काटने की कोशिश करने लगा। खैर, जब ये हो रहा था मैं उसके गुर्राने की साफ साफ आवाज़ सुन सकता था और उसके बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स यानी कि बाल थे। मुझे लगा कहीं ये वही वेवुल्फ तो नहीं जिसके बारे में पिया कह रही थी। मैं इसके बाद चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प, और अपनी पूरी पावर लगाकर उसको दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। मैं फील कर सकता था कि मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं जितना कोशिश कर सकता था मैं कर रहा था। और फिर मैंने शोर मचाते हुए उसको ज़ोर से झटक दिया जिससे वो बस जैसे तैसे मुझसे थोड़ी दूर हो जाए, कि इस कोशिश में मैं उससे दूर तो हो गया पर मैं भी पीछे जा गिरा जिससे मेरी आंखों में धूल चले गई और मैं कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था उस टाइम। फिर क्या था, मैं धुंधला ही सही, पर मैं ये देख सकता था कि वो वेवुल्फ भागता हुआ दोबारा मेरे ऊपर जंप मारने की तैयारी कर रहा था। बस फिर क्या था, मैंने सोच लिया, बेटा मैं तो आज गया, और अपने को कोसने लगा मैं कार से बाहर निकला ही क्यों आखिर, कि इतने में उसने जंप लगा दी मुझ पर। बस फिर मैंने अपने हाथों को चेहरे पर लगाते हुए फेस को कवर कर लिया डर के मारे और ये सोचते हुए कि दिस इज़ माई एंड। कितने में मैं देखता हूँ कि जैसे ही वो वेवुल्फ मेरे ऊपर जंप करके पहुँचने वाला ही था कि उससे एक सेकंड पहले कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है इससे पहले कि वो मुझ पर जंप कर पाता। और इतना ही नहीं, वो उस वेवुल्फ को पकड़ के मुझसे बहुत दूर फेंक देता है और फिर उस वेवुल्फ के साथ लड़ने लग जाता है और दोनों के बीच में बहुत ज़ोरदार लड़ाई होती है। और मैं ये देख सकता था वेवुल्फ और मेरी जान बचाने वाला लड़ते लड़ते ट्री यानी पेड़ पर चले जाते हैं। और सच बताऊँ तो मुझे लग रहा था ये सब सपना है,
या मैं किसी मूवी में आ गया हूँ। खैर इतने में मैंने अपनी आँखों को साफ करने की जल्दी से कोशिश की ताकि सब साफ देख सकूँ पूरा क्लियरली, और अपनी आँखों को मैं अपनी शर्ट के बाजू से मल कर साफ करने लगा और मैं कामयाब भी हो जाता हूँ। मैं सब साफ देख सकता था इसके बाद, पर जितने में मैं आँखों से साफ देख पाया तो मैंने क्या देखा कि सब कुछ शांत हो चुका है, वहाँ कोई नहीं है। वो वेवुल्फ वहाँ से जा चुका था और जिसने मुझे बचाया वो भी वहाँ नहीं दिख रहा था कि इतने में पिया कार से बाहर आके मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे कार में ले आती है ये कह कर कि देखा मैंने कहा था ना इट्स नॉट सेफ फॉर यू फास्ट लेट्स गो फ्रॉम हियर। पर मैं इस हालत में नहीं था कि ड्राइव कर पाता, तो पिया ही कार को ड्राइव करने लग गई और मैं बेहोश हो गया क्योंकि मुझे शॉक लगा था रियल लाइफ में वेवुल्फ को देखने की वजह से। पर जब होश आया तो पिया कहती है आर यू ओके नाउ बोलो। मैंने पिया का कोई भी आंसर नहीं दिया और मैंने बेहोश होने से पहले जो देखा उसको याद कर रहा था। मैंने देखा था कि पिया की आंखें उस टाइम ब्लू दिख रही थी और उसके होंठ के किनारे पर हल्का सा रेड लिक्विड लगा हुआ था, और जब वो बोल रही थी तो उसके टीथ यानी आगे के दांत कुछ डिफरेंट लग रहे थे, पर होश में आने के बाद ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब नॉर्मल था। बस एक चीज़ को छोड़कर, उसकी ड्रेस पर लगा वो ब्रॉच जो टूट कर गिर गया था और उसकी ड्रेस पर नहीं दिख रहा था। मैं थोड़ी देर बाद ये सब सोचने के बाद बोल ही पड़ा। मैंने कहा वहाँ आप ही थी ना जिसने मेरी जान बचाई। उसने कहा मतलब? मैंने कहा मुझे बनाओ मत, मैं जानता हूँ वो तुम ही थी। इस पर पिया ने कहा ओ हेलो, मैं तो कार में ही बैठी थी, मैंने देखा कि तुम गिरे पड़े थे और तुम पर उस वेवुल्फ ने अटैक कर दिया और तुम हेल्प मांग रहे थे, बस मैंने अच्छा मौका देखते ही तुमको कार में बैठा लिया और निकल गई वहाँ से। बाकी आप क्या बोल रहे हो वो आप ही जानिए। फिर बस पिया मुझे होटल ब्लूबेरी के पास ले आई और मुझे स्वीट अंदाज में दोबारा थैंक्स कहा, ये कहते हुए कि आप दोबारा उस रास्ते पर दिल्ली मत जाना, हर बारी मेरे जैसा आपको कोई नहीं बचाने आएगा, वो तो मैंने आपको सही मौके पर कार में बैठा लिया तो आप बच गए। ओके बस फिर मैंने भी उसको थैंक्स करते हुए बाय कह दिया। फिर पिया अपने बंगलों की तरफ चली गई, पर मैं पार्टी में भी वही सब सोच रहा था जो कुछ मैंने देखा था, मैं उसको झुठला नहीं सकता था। और पिया कुछ भी कहे पर मैं जानता हूँ जिसने मेरे सामने आकर उस वेवुल्फ को रोक लिया मुझ पर जंप करके अटैक करने से वो पिया ही थी 100%, क्योंकि मैं धुंधला ही सही पर मुझे बचाने वाले में भी मैंने वही सब नोटिस किया था जो कुछ मैंने पिया को फर्स्ट टाइम मिलते वक्त किया था। ब्लैक ब्लू शेड हेयर्स, मिल्की वाइट बॉडी, ब्लैक ब्लू शेड ड्रेस और सबसे बड़ी बात सेम परफ्यूम फ्रेग्रेंस जो मुझे अच्छे से याद थी जो कि पिया के बॉडी से ही आ रही थी। और मैं सही सही बताऊं तो आई थिंक पिया एक वैम्पायर गर्ल थी, एक बहुत ही प्यारी वैम्पायर गर्ल जिसने मेरी हेल्प करी उस वेवुल्फ से लड़कर और मुझे बचाकर, और कोई आम लड़की ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी एक बॉडी बिल्डर हूँ और आराम से 80 से 100 केजी और कभी कभी इससे भी ज़्यादा उठा लेता हूँ, पर उस वेवुल्फ के सामने मेरी पावर एक मक्खी जितनी होगी, पर एक पतली दुबली लड़की उसे इतनी आसानी से उठाकर फेंक दे ऐसा हो नहीं सकता। और वह पिया ही थी, ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि जब वो मेरे सामने आई थी मुझे डिफेंड करने तो उसका ड्रेस का ब्रॉच टूटकर मेरे शर्ट में फंस गया था जो कि आज भी मेरे पास ही है। और अब मुझे इन सब बातों पर पूरा यकीन है कि वेवुल्फ और वैम्पायर एग्जिस्ट करते हैं, एंड आई होप काश मुझे पिया से फिर मिलने का मौका मिल जाए। शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड क्यूट वैम्पायर गर्ल। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।